सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ए मित्रा सॉल्यूशन को और दबाइए घंटे बटन को हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ए मित्रा सॉल्यूशन में और मैं हूं गणेश ओझा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पुलिस रिक्रूटमेंट के बारे में। तो इसमें कब आने वाली है भर्ती और कितने पदों पर भर्ती होने वाली है, इस सभी की जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से देंगे। लेकिन दोस्तों, आज हमेशा की तरह से मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ में ही इसके नज़दीक ही आने वाले बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो तुरंत मिल जाए। दोस्तों, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और साथ में ही बेल के आइकन को भी प्रेस कर देना चाहिए और साथ ही साथ दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। तो दोस्तों, पूरी जानकारी देखने के लिए हमें चलना होगा एक साइट के ऊपर और जहां पर हम उसके नोटिफिकेशन देख सकते हैं। तो मैं उस नोटिफिकेशन को आपको दिखा देता हूं। आप देख सकते हो कि हमारे सामने इस प्रकार से एक नोटिफिकेशन आ रही है कि पुलिस रिक्रूटमेंट 2019 कांस्टेबल और SI के 9306 पदों पर जल्द ही होने वाली है भर्ती। 10वीं पास कर सकते हैं अप्लाई। तो किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या जानकारी है वो हम इस नोटिफिकेशन में पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि पुलिस की नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान पुलिस जल्द ही कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर SI के 9306 पदों पर वैकेंसी जारी करने वाली है। राजस्थान पुलिस नोटिफिकेशन 2019 इसी महीने जारी होने वाला है और इसी के साथ में इसमें लिखा है कि इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी राजस्थान पुलिस को कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर पदों पर भर्ती के निर्देश दिए थे। उन्होंने ट्विटर पर भी यह संदेश दिया था कि पुलिस हेडक्वार्टर की एक उच्च स्तरीय बैठक में हुए रिव्यू में यह बात सामने आई है कि जल्द ही 8600 पदों पर कांस्टेबल की और 706 पदों पर सब इंस्पेक्टर की भर्ती करने की ज़रूरत है। अब इसमें कौन अप्लाई कर सकते हैं? तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती और राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती प्रक्रिया में ऐसे उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं जो कम से कम 10वीं पास हो और जिनकी उम्र 18 से 22 साल की हो। तो चयन प्रक्रिया इसमें क्या रहेगी वो भी हम यहाँ पर जान लेते हैं। राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, स्किल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट आयोजित किए जाएंगे। राजस्थान में नौकरी की तलाश कर रहे 10वीं पास युवाओं के लिए ये एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। और दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही और इस नोटिफिकेशन में भी इतना ही है। तो आगे कब इसकी डेट आती है और कब इसके फॉर्म भरने शुरू होंगे तो इन सभी की जानकारी लेकर के मैं एक नेक्स्ट वीडियो भी लेकर के आऊँगा। उसमें सारी जानकारी मैं आपको बताऊँगा किस प्रकार से उसमें जो भर्ती है वो होगी और किस प्रकार से उसके फॉर्म अप्लाई होंगे। तो इन सभी बातों की जानकारी के लिए आपको आना होगा हमारे चैनल के ऊपर और चैनल को सब्सक्राइब भी करना होगा। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।